नमस्कार दोस्तों, इमित्र ट्रेनिंग कोर्स के इस चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप इमित्र कियोस्क खोलने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या साधन खरीदने होंगे, यानी कि क्या क्या इक्विपमेंट आपको खरीदने की जरूरत है। तो आप जब दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले इन सभी की जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी आप एक इमित्र कियोस्क खोलेंगे तो आप इन सभी कामों को सही तरीके से कर पाएंगे। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको इमित्र कियोस्क खोलने से पहले खरीदनी होगी, जिससे आपको पता रहे कि आपको कितना खर्चा कुल इमित्र कियोस्क खोलने के लिए बैठेगा, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है आपको एक तो पीसी या फिर लैपटॉप, दोनों में से एक खरीद करनी। अगर मुझे कहेंगे तो मैं आपको पीसी की सलाह दूंगा। अगर पीसी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको खरीद करनी होगी, एक तो सीपीयू खरीदना होगा, एक एलसीडी खरीदनी होगी, माउस, कीबोर्ड और एक वाईफाई डिवाइस खरीदनी होगी, और इसके साथ ही साथ आपको एक वेबकैम भी खरीदना होगा। तो ये सभी आपको पीसी के साथ खरीदना होगा। अगर आप लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप के अंदर सभी इनबिल्ट आते हैं, तो लैपटॉप के अंदर आपको लैपटॉप के अलावा किसी और इक्विपमेंट को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बेस्ट रहेगा इमित्र के लिए वह पीसी ही रहेगा। तो अगर पीसी की बात की जाए तो इसके अंदर जो आपको पीसी खरीदना है उसका प्रोसेसर कम से कम i3 होना चाहिए, इसके अलावा 2GB रैम और 500GB हार्ड डिस्क होना अनिवार्य है। तो ये सभी अगर चीजें हैं तो आप एक पीसी अच्छा सा खरीद सकते हैं। तो ये जानकारी थी पीसी के बारे में। उसके बाद आपको एक खरीद करनी होगी एक प्रिंटर की, तो ऑल इन वन प्रिंटर आपको खरीदना होगा। दोस्तों मार्केट में दो तरह के प्रिंटर आते हैं, एक प्रिंटर होते हैं जिसे कहते हैं इंक टैंक प्रिंटर और दूसरे आते हैं लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर और इंक टैंक प्रिंटर, आप इसमें से कौन सा खरीदेगा? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कलर प्रिंटर खरीदना है और वो भी ऑल इन वन। ऑल इन वन का होता मतलब होता है कि प्रिंट, स्कैन व कॉपी। कॉपी का मतलब होता है फोटोकॉपी, स्कैन का मतलब डॉक्यूमेंट को स्कैन करके जब हम पीडीएफ फाइल वगैरह बनाते हैं, और प्रिंट का मतलब कोई डॉक्यूमेंट हम निकालते हैं तो उसे प्रिंट कहते हैं। तो ये तीनों काम करे वही प्रिंटर आपको खरीदना हो। तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रिंटर आते हैं, तो आप किसी भी ब्रांड का प्रिंटर जो आपको बेस्ट लगे तो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों कलर प्रिंटर खरीदने का कारण ये होता है कि जो आप इमित्र कियोस्क पे जब भी कोई कस्टमर आएगा तो आप बहुत सारे कलर प्रिंटर से काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि आप फोटो निकाल सकते हैं, अगर कलर प्रिंटर खरीदने के कलर फोटोकॉपी निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रमाण पत्र प्रिंट कर सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा काम है जो इमित्र पे होता है जो कलर प्रिंट से संबंधित होता है, तो वह सभी काम आप कर पाएंगे। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर खरीद करेंगे तो ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग ब्रांड हैं, तो आप मार्केट में जाके अपने अनुसार ब्रांड का चयन कर सकते हैं आपको जो बेस्ट लगे। तो इसके अंदर इस समय जो मार्केट में जो अवेलेबल प्रिंटर है इसके अंदर कोई बेस्ट ब्रांड मैं नहीं कहूंगा। इससे अगर पहले की बात की जाए तो एप्सॉन की सीरीज बेस्ट थी, जो एप्सॉन की L360, 380, L220 आते, 210 आता था, वो बेस्ट आता था। लेकिन अभी भी इस समय मार्केट में बेस्ट मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपको खरीदना ही है और कम दाम है तो 10,000 की रेंज में आप एप्सॉन का L3115 खरीद सकते हैं, मैं ये सलाह दूंगा। लेकिन इसके अंदर एक बेसिक प्रॉब्लम है कि ये हाफ जाता है। हाफने का मतलब होता है कि कुछ प्रिंट देने के बाद ये रुक जाएगा, तो ये एक इसकी बड़ी समस्या है। इसके अलावा 4x6 आप पेपर जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होने के बाद वो स्लिप हो जाएगा, तो ये दो प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर देखी। इसके अलावा ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा कोई नहीं। तो एक तो हाफने की प्रॉब्लम है, अगर आपको ज्यादा प्रिंट करने की प्रॉब्लम अगर जरूरत है तो आप ये नहीं खरीद सकते। तो ये बात होगी प्रिंटर की। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम लैमिनेशन पे, तो आपको एक खरीदना होगा लैमिनेशन मशीन। तो दोस्तों लैमिनेशन मशीन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर मार्केट में इको जो 12 करके लैमिनेशन मशीन आती है वह बेस्ट है इमित्र कियोस्क के लिए, तो उसकी खरीद कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कितनी हीटिंग पे आप इसको गर्म कर रहे हैं, कौन से माइक्रो कितने माइक्रो का पेज डाले, 125 का डाल रहे, 80 का डाल रहे, उसके अनुसार आपको गर्म करके डालना है, वरना जलने का एक खतरा रहता है। तो उसको आपको पहले सीखना होगा सलाना, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप पुराने वाली मशीन का उपयोग कर सकते हैं जिसके अंदर हम गत्ते में डाल के लेमिनेशन करते हैं, उसके अंदर रिक्स आपकी कम रहेगी, तो वो आपको 600-700 रुपए मिल जाएगी, और इको 12 आपको मिल जाएगी 2100 रुपए के लगभग, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो ये हो गया थर्ड वाला प्रोसेस। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों फोर्थ वाले। तो दोस्तों इसके बाद आपको एक जरूरत होगी कंप्यूटर डेस्क की। कंप्यूटर डेस्क का मतलब होता है आप जो भी है कंप्यूटर वो कहाँ पे रखेंगे, कौन से कंप्यूटर काम करेंगे, तो एक कंप्यूटर टेबल की आपको जरूरत होगी। तो ये आसानी से आपको मार्केट में 3000 के लगभग मिल जाएगा बड़े साइज में आसानी से, तो वो आपको एक खरीद करनी होगी।
इसके अलावा दोस्तों आपको खरीद करनी होगी फिंगरप्रिंट डिवाइस की। तो दोस्तों इसके लिए दो डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है, एक तो है मंत्रा, दूसरी है मोरबो। तो दोस्तों मंत्रा है वो सस्ती आती है, और अगर काम की बात की जाए तो दोनों इक्वली काम करती हैं, दोनों सही तरीके से काम करती है, लेकिन रेट के मामले में मंत्रा बेस्ट है मोरपो के मुकाबले, क्योंकि मोरपो की रेट ज्यादा होती है, 2500 रुपए के लगभग मिलेगी, वही मंत्रा मार्केट में आपको 1800 रुपए में मिल जाएगी। अगर इमित्र के से आप परचेज करेंगे तो 500 रुपए में भी आपको ये डिवाइस मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है डिवाइस की बधाई। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एंड्रॉयड मोबाइल फोन। तो दोस्तों आप कहेंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन की कहां जरूरत पड़ी, तो दोस्तों आपको इंटरनेट चलाने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बीएसएनएल का कनेक्शन लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वाईफाई से नेट चलाएं अपने शॉप पे, और वो इसके लिए आप मोबाइल फोन डिवाइस जो है जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीद के रखें, उससे हॉटस्पॉट से आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। तो ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, तो इसी के द्वारा आपको करना, तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन आपको खरीदना होगा। और इसके अलावा दोस्तों आपके मित्र पे जो कस्टमर आएंगे उनको आप पासपोर्ट साइज फोटो निकाल के भी दे सकते हैं आपको मोबाइल से फोटो कैप्चर करके, तो ये काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम है जो मोबाइल के फोन की जरूरत पड़ती है। तो एंड्रॉइड मोबाइल फोन डिवाइस 10,000 रुपए की रेंज वाला अच्छा सा आप ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी आती है, आपको पता ही है मोबाइल के बारे में आज के टाइम में हर किसी को नॉलेज है, तो ये भी आपको एक खरीदना होगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आपको एक चेयर खरीदनी होगी आपने आपके बैठने के लिए, तो वह आप अपने कंफर्ट के अनुसार खरीद सकते हैं कि आपको किस तरह की चेयर की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्टूल की जरूरत होगी जो कस्टमर आएंगे उनको बैठने के लिए, या फिर उनके लिए आप चेयर भी खरीद सकते हैं। तो लगभग 3 से 4 या 5 आप चेयर खरीद सकते हैं, या फिर एक बेंच भी खरीद सकते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग एक साथ बैठ जाए, तो ये बैठने की व्यवस्था के लिए होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको शॉप में फैन लगाना होगा, अगर आपको लगता है आपके पास पैसे हैं तो आप एसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तो लगाना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो जरूरी ही है, इसके साथ ही साथ अगर आप साए तो इन्वर्टर खरीद सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर आप यूपीएस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो दोनों में से एक किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीएस इस्तेमाल करने का फायदा ये रहेगा कि कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं और पावर कनेक्टिविटी खो जाए तो आपका जो भी काम है वो कुछ देर के लिए आप सेव करने का आपको मौका मिल जाएगा, इससे ज्यादा यूपीएस काम नहीं करेगा, बहुत कम बैकअप देता, शुरुआत में आपको आधे घंटे लगभग दे देगा लेकिन उसके बाद यूपीएस बैकअप नहीं देता, लेकिन सेव करने का एक मौका दे देता है। इसके अलावा जो भी है इन्वर्टर का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इन्वर्टर लाने की जरूरत है तो ला सकते हैं। तो ये होगी ये कौन, अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और डिवाइसों के बारे में। दोस्तों लगभग सभी डिवाइस और जो भी इक्विपमेंट थे वो खत्म हो गए, तो अब मैं आपको बता दूं कुछ और जो सहयोगी स्टेशनरी होती है, कुछ ऐसे और भी सामान की जरूरत होती है। तो आपको सबसे पहले खरीद करनी होगी A4 साइज की रीम, यानी कि पेपर, व्हाइट कलर के पेपर आते हैं उसकी खरीद करनी है। A4 साइज के पेपर आते हैं, आप मार्केट में जाकर A4 साइज का पेपर कहकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फोटो का काम करना चाहेंगे तो आपको A4 साइज के ग्लोसी पेपर खरीदने होंगे, इसके अलावा 4x6 के ग्लोसी पेपर भी खरीदने होंगे। इसके अलावा अगर आप लेमिनेशन का काम करेंगे तो लेमिनेशन के लिए आपको A4 साइज के लेमिनेशन, इसके अलावा लीगल साइज के भी अगर आप सहे तो खरीद सकते हैं, लीगल के कस्टमर आपके पास इतने नहीं आएंगे। इसके अलावा 70x100 mm के जो लेमिनेशन पेपर होते हैं, जो आईडी पे हम लेमिनेशन करते हैं, ये सभी कागज भी आपको खरीदने होंगे। इसके अलावा आपको खरीद करनी होगी ई मित्र स्टेशनरी की। दोस्तों ई मित्र स्टेशनरी जो भी नए उनको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो राशन कार्ड बनाते हैं उसकी जो डायरिया होती है, एक तो वो ई मित्र की स्टेशनरी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो जाति मूल किसी भी प्रमाण के जो प्रमाण पत्र बनाते हैं उसके लिए एक पीले कलर का पेपर आता है, तो वो प्रिंट करने के लिए काम में आता है, तो ये दोनों आते हैं ई मित्र की स्टेशनरी के अंदर। तो दोस्तों ये किस प्रकार से बाई की जाती है ऑनलाइन तो वो मैं आपको अलग से कभी बता दूंगा। तो दोस्तों इसके अलावा आपको खरीद करनी होगी एक रेट लिस्ट व बैनर की। दोस्तों रेट लिस्ट व बैनर क्या होते हैं, जो ई मित्र के जितने भी काम करोगे उसके लिए सरकार ने निश्चित दरें निर्धारित की, तो उसके बारे में आपको एक रेट लिस्ट बना के अपने शॉप के अंदर लगानी होगी जहां पे लोग आसानी से उसको देख पाए। इसके अलावा एक बैनर होता है, वो बैनर लगता है आपके शॉप के बाहर लगेगा जहां से लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे ई मित्र संचालित हो रहा है, तो ये दोनों भी आपको बनाने होंगे। इसके फॉर्मेट किस प्रकार के हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप जहां पे पहुंचेंगे तो वहां पे आपको ये सारी जानकारी मिलेगी, तो वहां पे आप आसानी से देख पाएंगे कि आपको कौन कौन सी फॉर्मेट है और किस प्रकार से आपको ये बैनर बनवाने। कुछ मामलों में LSP जिससे आप ई मित्र की आईडी ले रहे हैं वह भी आपको ये बैनर व जो रेट लिस्ट है वो मुहैया करा लेते हैं। तो ये होगी रेट लिस्ट व बैनर की बात। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने शॉप पे जब काम करेंगे तो आपको एक तो ब्लू पेन की जरूरत होगी और एक ब्लैक पेन की बहुत बार जरूरत होती है, तो ब्लू पेन
ब्लैक पेन और इसके अलावा आपको एक पेंसिल की जरूरत होगी, इसके अलावा एक व्हाइटनर भी आपको खरीद करना होगा। तो ये हो गए सभी इक्विपमेंट। अब आप कुछ जानते हैं और भी हैं, इसके अलावा भी आपको कुछ खरीद करनी होगी तो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बनवाना होगा, ई मित्र की स्टैम्प बनानी होगी जिसे सील कहते हैं, जो आप जो भी काम करेंगे जितने भी फॉर्म फिलअप करेंगे उसके ऊपर लगानी होगी, जो भी काम करके देंगे तो उसके ऊपर सील लगा के देने होंगे कि आपके ई मित्र से ये काम हुआ है। तो ये इसका फॉर्मेट किस प्रकार का है वह भी मैं आपको दे दूंगा। तो इसके अंदर आप गोल सील भी बनवा सकते हैं और आप राइट एंगल शेप में भी बना सकते हैं। तो वो इसका फॉर्मेट भी मैं आपको इसी वीडियो के नीचे जो लिंक है वहां से आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सील बनवा रहे हैं तो उसको लगाने के लिए स्टैम्प पैड भी लाने होंगे, तो इसके अंदर ब्लैक और ब्लू दो तरह के स्टैम्प पैड आप खरीद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेपर पंच खरीदना होगा, जो आप जो भी काम करें, जैसे किसी को लेमिनेशन किया, कोई पेज प्रिंट करके उसके सेव करने के लिए जो आता है उसे पेपर पंच कहते हैं, तो वो भी आपको खरीदना होगा। इसके साथ ही आपको एक स्टेपलर खरीदना होगा, जो पिन देने के काम आता है उसे स्टेपलर कहते हैं, तो स्टेपलर खरीदना होगा। इसके अलावा ई मित्र में जो भी फॉर्म भरे उसके ऊपर फोटो चिपकाने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए आप फेविस्टिक या फिर गोंद खरीद सकते हैं। तो आप गोंद खरीदे तो उससे अच्छा होगा कि क्योंकि ई मित्र में बहुत सारे कस्टमर आते हैं, फेविस्टिक से काम नहीं चलता, तो ये भी आपको खरीद करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको खरीद करना होगा एक पेपर कटर या फिर कैसी, दोनों में से किसी भी चीज की खरीद आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलों में पेपर कट करने की जरूरत होती है, उसके लिए कटर जरूरत होती है। आप शॉप पे जाके कहीं पेपर कटर दो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कैसी चलानी है तो कैसी भी खरीद सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इसके लिए आपको इसके अलावा आपको एक स्केल खरीदना होगा, अगर आप कटर का इस्तेमाल करें तो स्केल के माध्यम से ही वो पेपर कट होगा। इसके अलावा जो भी आप मित्र में जो कटिंग करेंगे अगर पेपर कटर से, तो आपको एक कांच खरीदना होगा, क्योंकि आप कांच के ऊपर आराम से किसी भी चीज को काट सकते हैं, तो कांच खरीदना भी जरूरी होगा। तो ये सभी हैं इक्विपमेंट जो मित्र कियोस्क डालने के लिए खरीदने होते हैं। कुछ और इक्विपमेंट हैं तो वो भी मैं आपको एक बार बता दूं। इसके अलावा दोस्तों कचरा पात्र और पेन बॉक्स खरीदना होगा, कचरा पात्र जहां पे हम जो भी मित्र में जो कचरा होगा वो डालने के लिए, और एक पेन बॉक्स होगा जिसके अंदर हम बॉल पेन वगैरह जो भी डाल के रखेंगे। इसके अलावा आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए, डेटा का स्थानांतरण करने के लिए, इधर उधर डेटा ले जाने के लिए आपके पास एक पेन ड्राइव होना भी जरूरी होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता सर्विस पुस्तिका, जांच पुस्तिका, शिकायत सुझाव पुस्तिका, तीन तरह के रजिस्टर आपको बनाने होंगे। उसका फॉर्मेट किस प्रकार का है, आपको किस प्रकार से ये रजिस्टर बनाने हैं, उसका फॉर्मेट भी मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक है वहां पे जाके आपको उस ब्लॉग पोस्ट पे आपको कंप्लीट जानकारी इसकी मिल जाएगी कि आपको इसका फॉर्मेट क्या है, और उसको आप आराम से डाउनलोड करके देख लेना और इस प्रकार से आपको ये सभी बनाने होंगे। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट डिटेल में समझाया कि अगर आपको एक ई-मित्र कियोस्क खोलना है तो सबसे महत्वपूर्ण है आपको एक शॉप तो खरीदनी ही होगी, या फिर एक किराए पे ले सकते हैं, आपकी खुद है तो खुद की शॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो घर पे भी ये लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, क्या क्या चीजें खरीदनी होगी, मैं सभी आपको कंप्लीट डिटेल में समझा चुका हूँ, इससे अच्छा समझाया नहीं जा सकता, छोटी से छोटी चीजों के बारे में मैंने जानकारी दी। तो ये सभी सामान आपको खरीदना होगा, इसका आप हिसाब लगा सकते हैं आसानी से कि इसका कितना खर्च आएगा, उसके बाद अगर आपको लगे कि इतना खर्च करने में आप सक्षम हैं तो आप एक मित्र कियोस्क डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई।